अपने संबोधन में सम्मिलित करता हूं। नड्डा जी के पास ज्यादा टाइम नहीं है और मुझे बोला गया है कि 5 मिनट में अपना भाषण मुझे खत्म करके, क्योंकि इनको रोडू भी जाना है। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों ने जिसे मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं, दिल की गहराई से आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी आप लोगों का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। नड्डा जी, इससे पहले भी आप अनेक बारी कोट खाई आए हैं, आप मेरे गांव ठहटोली भी आए हैं, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, नड्डा जी हमारे 10 साल तक पड़ोसी थे, जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे, जब वो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। और नड्डा जी, मुझे वो क्षण याद है जब सोलन की पिछली रैली में, शायद वो ब्राक्टा जी की आखिरी रैली भी आपके साथ ही, आपने वहां से उनको संबोधन किया और कुछ खट्टी मीठी वहां की यादें आपने वहां पे सबके सामने साझा करी। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। क्या आपको पता है 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 7 एमएलए जीते थे, उसमें अगर कोई एक बिलासपुर से एमएलए जीते थे वो हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी थे, जब कांग्रेस की प्रचंड वेव चल रही थी। वो एमएलए नहीं, उसके बाद वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बने। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ साथ उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में संगठन का विस्तार किया। उससे पहले ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, पूरे देश भर में इन्होंने अपना लोगो बनाया, परंतु हिमाचल में अगर किसी ने सही में संगठन को धार दी तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने दी। आपने, जिसको मैं बोलता हूं सबसे अच्छी आपकी प्रोफाइल, आप फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, आपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर संगठन के लिए लगे। आप दिल्ली गए और वहां पर राष्ट्रीय महामंत्री बने। मुझे याद है अशोका रोड में मैं आपको बार बार मिलने आया करता था, जब मैं वहां पे सोशल मीडिया का हेड था बीजेवाईएम का, युवा मोर्चा का, और आपसे मुझे हमेशा मार्गदर्शन मिलता था। ये है वो व्यक्ति जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया संगठन के लिए। मैं चाहता हूं एक जोरदार ताली आप से जगत प्रकाश नड्डा जी के लिए करें। 72 लाख का स्टेट, 72 लाख का स्टेट, आप कल्पना कीजिए, हमारे से बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश, हमारे से बहुत बड़ा बिहार, हमारे से बहुत बड़ा मध्य प्रदेश, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? हमारे अपने लाल जगत प्रकाश नड्डा जी। ये हमारे लिए, सबके लिए, 72 लाख लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। आपने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया जब मैं आपका पड़ोसी हुआ करता था, और जब नड्डा जी एक साल मेरा जो वनवास हुआ, आपने ही मुझे वनवास से निकाला। मैं दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं नड्डा जी के पास गया और उनको मैंने अपनी सारी जो मेरी व्यथा थी वो सारी उनको बताई, और नड्डा जी ने एक मिनट नहीं लगाया सुरेश कश्यप जी को फोन किया और बोला चेतन को वापस भारतीय जनता पार्टी में लो। बड़ी इज्जत के साथ नड्डा जी ने हमारे को कमल का फूल दिया, और आज हमारा दायित्व बनता है, यहाँ पे सब कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है, और जितने भी हमारे यहाँ पे लोग आए हैं, उस कमल के फूल को लेकर हमने, जो हमारी 65 जो नंबर है हमारी विधानसभा का, उस कमल के फूल को लेकर हमने विधानसभा में जाना है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नड्डा जी, मुझे याद है एक एक्सीडेंट हुआ था, और वो अभी तक मेरे पास आपका वो SMS पड़ा है। ब्राक्टा जी ने बोला कि फटाफट नड्डा जी को एक व्हाट्सएप, एक SMS भेजिए, और वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था और ट्रॉमा सेंटर की जो फाइल आपके पास थी, आपने ब्राक्टा जी को बुलाया और दिल्ली इमीडिएटली वो फाइल क्लियर करी। आज जो ट्रॉमा सेंटर यहाँ के, जिसका शिलान्यास पिछले साल डॉक्टर सैजल जी ने कर दिया है, मुझे ये बताते हैं आपको बड़ी खुशी हो रही है नड्डा जी, जो आपने हमारे को जुब्बल लाहौर को खाई पे यहाँ ट्रॉमा सेंटर दिया था, वो आजकल बन रहा है। और मैं आपसे यहाँ से निवेदन करता हूँ,
जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी, आपकी सरकार पुनः हिमाचल प्रदेश में आएगी, मैं चाहता हूँ कि आप उसका उद्घाटन करने भी कोटखाई में आए और हम सबको आशीर्वाद देने भी आए। नड्डा जी, एक अलग से मैं बात आपसे करना चाहता हूँ। ये हमारा बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है और आपको पता है, आप लगातार यहाँ पे प्रवास करते रहे हैं। ये जो हमारा खड़ा पत्थर का जो रेंज है, हमारे को बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत होती है जब बर्फ पड़ती है, और बराट्टा जी ने 98 में ये विजन रखा था कि खड़ा पत्थर से स्नाबा तक एक टनल बननी चाहिए। बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बराट्टा जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप केंद्र सरकार में मेंबर पार्लियामेंट भी है और साथ ही साथ आपके नितिन गडकरी जी के साथ बहुत ही मधुर संबंध है, उनको आप प्लीज हमारी तरफ से आग्रह करिए, कोटखाई और जुब्बल और नाहर की तरफ से, एक एक कार्यकर्ता की तरफ से आग्रह करिए और इस टनल को बनने के जल्दी से जल्दी आप वहां से ऐसा उनको एक डीपीआर बनाने की आप बात करिए। उपचुनावों में 1 साल हो गया, आप लोगों के बीच में आए क्या रोहित ठाकुर जी? कहां थे 1 साल तक? क्या काम करा 1 साल तक रोहित जी ने? अब जब वो आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस टाइम वोटों की राजनीति जो करनी है। अभी तो मैंने आपको बताया ये सिर्फ ट्रेलर है, और कल्पना कीजिए अगर 5 साल के लिए हमने गलती कर दी तो वो कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। 1 साल तक पूरी तरह से वो नदारत रहे जुब्बल नाहर कोटखाई की लैंडस्केप से। कभी मेरी राजा वीरभद्र जी से नहीं बनती, कभी मेरी जयराम ठाकुर जी से नहीं बनती, इस तरह के भानेबाजी रोहित जी नहीं चलेंगे। आपको लोगों ने यहां से जिताकर भेजा, ये आपका दायित्व था कि आपको सारी अपनी जो ईगो थी उसको खत्म करके आपको ठाकुर जयराम जी से बनानी पड़ती थी, पर आपने ये काम नहीं करा। और आजकल हमारे कांग्रेस के जो मित्र है, जो इनका इको सिस्टम है, नड्डा जी बहुत ही गजब है, ऐसा जबरदस्त इको सिस्टम है। वो अभी 22 में मंत्री बन रहे हैं और उसके 32 में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं झूठ। अभी थोड़ी दिन पहले रामपुर में एक सभा हुई, थोड़ी दिन पहले रोडू में सभा हुई, कांग्रेस की अध्यक्षा, उन्होंने वहां के जो विधायक है बराट्टा जी उनको भी मंत्री बना दिया, और रामपुर के जो विधायक है नंदलाल उनको भी मंत्री बना दिया। कितने कितने मंत्री बनेंगे आपकी? कभी जब रानी साहिबा यहाँ पर आई आप उनको मिलने नहीं आए, जब वीरभद्र जी इस ऐतिहासिक ग्राउंड में आए आप कभी उनको मिलने नहीं आए, जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब जयराम ठाकुर जी यहाँ पे आते थे आप कभी भी उनको मिलने नहीं आते थे। तो क्या आपको क्या लगता है ये जो मिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन, इसको क्या हमारे को बंद करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? जो सर्वेज आ रहे हैं नड्डा जी, मैं आपको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं, आपकी सरकार फिर से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में वापस आने वाली है, इसके लिए अग्रिम बधाई आपको। अभी कल ही पूरे देश भर के बाईपोल्स के रिजल्ट आए, और आपको पता है हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसके लिए भी नड्डा जी आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपको यहां से सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस बात को मैं आपको संकल्प के साथ बताना चाहता हूं, स्वर्गीय बराट्टा जी ने हमेशा अपनी लड़ाई सेफ की लड़ी, उनका जो स्वर्गवास हुआ वो भी सेफ की लड़ाई करते करते हुआ, और मैं इस बात को आपको विश्वास दिलाता हूं चेतन बराट्टा जब तक जिंदा है आपकी सेफ की लड़ाई वो लड़ते रहेगा, किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स नहीं होने देंगे, और हम ओवर द पॉलिटिक्स लाइन हम किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज हम सेफ पे नहीं होने देंगे। मैं इन चीजों पे नहीं जाना चाहता, किसने मंडिया खोली, कौन सी स्टोर्स लेकर आया, सबको पता है बराट्टा जी ने इस क्षेत्र के लिए क्या काम करे हैं, कोई नहीं भूल सकता। एक एक गांव में, एक एक मोड़ में स्वर्गीय बराट्टा जी वास करते हैं। मैं बस आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, निवेदन ये है कि अब हम सो ना जाएं, हमेशा गड़बड़ करते हैं हम लोग। एक जबरदस्त रैली हुई नहीं और उसके बाद हम घर में बैठे नहीं, क्या हमें गलती तो नहीं करेंगे? आज है 7 तारीख, मात्र 4 दिन बचते हैं, क्या ये 4 दिन आप पूर्णकालिक कार्यकर्ता की तरह लगेंगे, 20-20 घंटे भारतीय जनता पार्टी को देंगे? पीछे वालों से पूछ रहा हूं, देंगे?
तो दोनों हाथ खड़ा करके बोलो हाटेश्वरी माता की, हाटेश्वरी माता की। बहुत कम टाइम रह गया है, मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन करता हूं, सब चेतन ब्राह्मण बने, सब कमल का फूल के बने, और मेरी नमस्ते जो भी लोग दोची में भी है, जो किसी भी दोगरी में है, वहां तक आप एक संदेश जरूर पहुंचाए कि चेतन ब्राह्मण को एक मौका जरूर दे, करेंगे ना। और मुझे विश्वास है कि अगर ये आपने पूरी मेहनत कर दी, भारतीय जनता पार्टी इस सीट को दोबारा से जीतेगी और मैं भी काम कर पाऊंगा आपके लिए। मुझे भी सेवा करने का मौका दीजिए, मैं भी स्वर्गीय ब्राह्मण जी की तरह, स्वर्गीय ठाकुर रामलाल की तरह और स्वर्गीय वीरभद्र जी की तरह इतिहास में जाना चाहता हूं कि मेरा नाम भी इतिहास में जाए, इस लड़के ने क्षेत्र के लिए काम किया था। हमेशा समर्पित रहूंगा आप लोगों के लिए, हमेशा काम करूंगा आपके लिए, कहीं आपको कभी लेट डाउन नहीं करूंगा, और चेतन ब्राह्मण की वजह से कभी भी इस क्षेत्र का सिर नहीं झुकूंगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अंत में हर जगह सिर्फ एक ही नारा मैं लगा रहा हूं और एक ही आग्रह कर रहा हूं और एक ही निवेदन सब लोगों से कर रहा हूं कि मुझे एक मौका दे दीजिए। उनको तीन मौके दिए, क्या चेतन ब्राह्मण को एक मौका मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? हमारी क्षमताओं को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। इतिहास में पहली बारी अगर दो दो एसडीएम मिले, दो दो बीडीओ मिले, दो दो डिविजने मिली, एक उप तहसील मिली, उप तहसील का अपग्रेड करके तहसील मिली, तो वो सारे काम करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ एक मौका आपसे मांग रहा हूं, आप कल्पना कीजिए कितना काम मैं आप लोगों के लिए करूंगा, आप अभी ये सोच भी नहीं सकते। आपका मैं सिर्फ आशीर्वाद सब लोगों का मांग रहा हूं और इसके बाद आप लोगों के बीच में आऊंगा, एक एक गांव में आऊंगा, जो भी आपके काम होंगे उसको प्रायोरिटी वाइज में जरूर पूरा करना चाहूंगा। और अंत में एक मौका आप मुझे दे दीजिए, इतना ही मैं निवेदन करता हूं। और नड्डा जी पुनः आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत, और आपके मार्गदर्शन से भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल यहाँ पे जरूर खिलाएगी, इस बात का मैं सब कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन से पहले हमारे बीच में पंचदश नाम आह्वान अखाड़ा श्री काशी से साध्वी कल्याणगिरी जी हमारे बीच में, आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टोपी पहनाकर जो है आपकी इच्छा है, मेरा आग्रह है आप जो है साथ साथ में हमारे प्रदेश की आंगनबाड़ी यूनियंस की महिलाएं भी जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करना चाहती है। कृपया जल्दी से जल्दी आकर जो है आप तुरंत जो है मंच पे आ जाएं, समय के अभाव की कमी है। मेरा सीधा भारत माता की, नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, एक बार भाजपा। मेरा सीधा आग्रह रहेगा।